Grade 8, welcome to online classes. Our today's task is unit number 8, letter to editor of a newspaper. Here, I will discuss with you the comprehension of this unit. Let's start from question number 1. Identify different kinds of pollution. Pollution ki mukhtalif jo aqsam hai, unke baare mein poocha gaya hai ki unko identify kare, unki nishandhi kare. Answer, reference. उसी तरह आपने लिखना है. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. सॉइल और लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. ये 4 इसकी मेन काइंड्स हैं, अकसाम हैं पोल्यूशन की. पोल्यूशन मीन आलूदगी. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन Why it is important to keep the environment free of pollution. ये क्यों अहम है कि हमें अपने माहौल को आलूदगी से पाक रखना है. यानी कि हमें अपने माहौल को आलूदगी से पाक रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. आंसर, रेफरेंस. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन, क्या है जी इसकी इम्पॉर्टेंस. It is important to keep the environment free of pollution because if our environment is clean, we can make healthy life and prevent from many diseases. यानी कि अगर हमारी environment साफ हुई तो उसका क्या effect होगा, उससे आगे क्या उसका असर होगा कि हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे and prevent from many disease और बहुत सी बीमारियों से बचेंगे. In other words, If we keep our environment free of pollution, all humans, animals and plants are not exposed to pollutant that can harm them. यानी कि अगर हम अपनी environment, अपने माहौल को साफ रखेंगे तो उससे क्या होगा कि इंसान, जानवर और पौधे आलूदगी से बचे रहेंगे. That can harm them, जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है. If we do not have a clean environment, अगर हमें साफ माहौल नहीं मिलेगा, पोल्यूशन कैन स्प्रेड एंड नेचर कुड डाई. उससे क्या होगा कि उससे आलूदगी बढ़ सकती है, जिससे नेचर कुड डाई, कुदरत ख़त्म हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम थिंग्स वी कैन डू टू प्रिवेंट फर्दर पोल्यूशन ऑफ आर अर्थ. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपने अर्थ को, अपनी ज़मीन को मज़ीद आलूदा होने से बचा सकें. रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. रिकमेंडेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट फर्दर पोल्यूशन ऑफ आर अर्थ. यानी कि रिकमेंडेड जो हम सिफारिशात देते हैं, जो हम तजवीज़ देते हैं, क्या तजवीज़ है जी उसकी. वी कैन प्रोटेक्ट आर अर्थ बाई अडोप्टिंग द फॉलोइंग मेयर्स. कुछ ऐसे लाइफ में पैमाने हैं जिनको हम अपना कर अपने माहौल को गंदा होने से बचा सकते हैं, अपनी ज़मीन को मज़ीद गंदा होने से बचा सकते हैं. नंबर 1, प्रिवेंट ओपन बर्निंग ऑफ बैकयार्ड ट्रैश, लीव बर्निंग एंड प्लास्टिक रबर बर्निंग. मीन कि हम जो कचरा खुलेआम उसको जला देते हैं, पत्तों को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, रबड़ को जलाते हैं, उसको हम क्या करें, उसको प्रिवेंट, उसको रोकें, उससे भी जो है वह माहौल गंदा हो रहा है. अवॉइड कंटेमिनेटिंग वाटर, आलूदा पानी से क्या करें, परहेज करें, उससे छोड़ दें. प्रिवेंट फ्लो ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज. यानी कि जो इंडस्ट्री संतों से गंदा पानी निकलता है उसको हम साफ करके हम बाहर फेंकें. ये नहीं कि हम जो गंदा पानी वो निकाल रहे हैं वो सीधा डायरेक्टली हम जो है उसको अपने दरियाओं या नहरों जिसमें भी हैं वो फेंक दें. उससे क्या होता है, आलूदगी मज़ीद बढ़ती है. इम्प्लीमेंट लॉज टू प्रिवेंट वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एज वेल एज टू मिटिगेट द एडवर्स अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन. इम्प्लीमेंट लॉज यानी कि कानून लागू करें टू प्रिवेंट वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिससे हम बहुत से आलूदगी की बहुत सी अकसाम को रोक सकते हैं. एज वेल एज टू मिटिगेट द एडवर्स अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, और हम आलूदगी का जो एक बदतरीन असर है उसका कम कर सकते हैं. मिटिगेट उसका, किसी भी चीज़ के असर को कम करना. नेक्स्ट है री यूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बैग्स,
कैंस, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स, मोटर मोटर ऑयल एंड मेटल्स कैन ऑल्सो मिनिमाइज पोल्यूशन। जी, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम रीयूज़ करें, उनको उनकी रिसाइकलिंग करें, उससे क्या होगा कि गंदगी में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इनिशिएट प्रोग्राम्स टू एजुकेट पीपल टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्राम पोल्यूशन। जी, ऐसे प्रोग्राम्स का आगाज़ करें जिसमें लोगों को तालीम दी जाए कि वो अपने माहौल को गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ पोल्यूशन अफेक्ट आर इन्वायरमेंट, यानी कि आलूदगी हमारे माहौल पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्राम लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन आर इन्वायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट पे, हमारे माहौल पे आलूदगी का क्या असर है। पोल्यूशन अफेक्ट्स आर इन्वायरमेंट एंड डज हार्म टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जी हाँ, आलूदगी जो है वो हमारे माहौल पर असरअंदाज होती है, उसके साथ साथ वो इंसानों और जानवरों पर भी असरअंदाज हो रही है, उनको भी नुकसान पहुँचा रही है। इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, इससे बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, फ्राम लंग कैंसर टू ग्रीन हाउस अफेक्ट, मीन फेफड़ों के कैंसर से लेकर ग्रीन हाउस अफेक्ट, इसमें सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इट कैन हार्म द इन्वायरमेंट इन मैनी वेज, ये बहुत से तरीक़ों से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एट लीस्ट 3 causes of pollution and their effect on the environment from the letter. यानी कि 3 causes, वजूहात pollution की, और their effect on the environment, और उनके असरात जो माहौल पर हैं, वो जो letter में explain किए गए हैं, जो आपके unit में explain किए गए, हमने वही लिखने हैं। ठीक है, reference है, this question has been taken from letter to editor of a newspaper. 3 causes and effect of pollution on the environment from the letter. Number 1, motorized vehicles and industries are the causes of air pollution which results in global warming. जी बच्चों, क्या है motorized vehicle जो और industries, संतों और मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है कि वो आलूदगी में इजाफा करता है जिससे global warming हो रही है। नंबर 2, प्लास्टिक पैक, डंपिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड डिस्टर्ब फूड चेन। जी, नेक्स्ट इसकी रीज़न क्या है जी, इससे क्या होता है, प्लास्टिक बैग डंपिंग ऑफ द इंडस्ट्री वेस्ट इन द वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन, ये जो हम पानी में इंडस्ट्री वेस्ट फजला जो डाल देते हैं उससे क्या होता है कि वो पानी की आलूदगी उससे बढ़ती है और फूड चेन डिस्टर्ब होती है। नंबर 3, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन लार्ज अमाउंट आर कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल फूड। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जो कीड़े मार अद्वियात वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो, उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल फूड के एक नुकसानदेह खुराक तैयार होती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, डू मेमोराइज ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट देम ऑन योर नीट नोटबुक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह।